जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। और इस प्रश्न के 1 से 14 तक के प्रश्नों को अपन हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, औरण भूमि क्या है? औरण भूमि किसे कहते हैं? औरण भूमि क्या है? इसका उत्तर है, गाँव के आस पास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, उसे औरण भूमि कहते हैं। गांव के आसपास जो भूमि होती है, किसी उस भूमि को किसी लोक देवता या लोक देवी या संत और महापुरुष, या तो वहां के लोक देवता या वहां की लोक देवी हैं या संत हैं और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, उसे औरण भूमि कहते हैं। जब हम उस भूमि को किसी के नाम से संरक्षित कर देंगे तब क्या होगा, वो लोग उस भूमि से वृक्षों को नहीं काटेंगे, तो वो भूमि कैसी हो जाएगी? संरक्षित। उसे हम कहते हैं औरण भूमि। मतलब गांव के आसपास की जो जमीन होती है उसको किसी लोक देवता का नाम दे देते हैं कि भाई ये इनकी जमीन है, या किसी लोक देवी का नाम दे दिया कि भाई ये तो इनके नाम से जमीन है, या किसी संत महापुरुष का नाम दे दिया कि ये इनके नाम की जमीन है, उसको हम कहते हैं औरण भूमि। प्रश्न संख्या 16, अमृता देवी विश्नोई कौन थी? अमृता देवी विश्नोई कौन थी, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, अमृता देवी विश्नोई खेजड़ली गांव की एक महिला थी जिसने गांव वालों का नेतृत्व करते हुए खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए राजा के सैनिकों का विरोध किया तथा 363 लोगों के साथ अपना भी बलिदान दे दिया। अमृता देवी विश्नोई कौन थी? खेजड़ली गांव की महिला थी, खेजड़ली गांव की रहने वाली थी, और उसने गांव वालों का नेतृत्व करते हुए, यानी गांव वालों के आगे लीडर की तरह खड़ी हुई थी, नेता की तरह खड़ी थी, और उनका नेतृत्व किया और खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए राजा के सैनिकों का विरोध किया तथा 363 लोगों के साथ अपना भी बलिदान दे दिया। जब राजा के सैनिक आए थे तो गांव वालों का इन्होंने नेतृत्व किया था, अमृता देवी विश्नोई ने कहा था कि पेड़ों को नहीं काटना है, और राजा के सैनिक आए उनको मना किया था, और फिर 363 लोगों ने जो अपनी जान दी थी उसके उसमें अमृता देवी भी थी, उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया था। प्रश्न संख्या 17, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। इसका उत्तर है, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतु के भोजन के आधार पर संबंध को, पेड़ पौधों का आपस में या जीव जंतुओं का भोजन के आधार पर जो आपस में संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसका उदाहरण है, बाज सांप को खाता है। बाज किसको खाता है? सांप को खाता है। फिर सांप किसको खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक कीड़ा खाता है और कीड़ा घास खाता है। तो यह है खाद्य श्रृंखला। तो अब यहां से ये शुरू हुई श्रृंखला, बाज ने सांप को खाया, सांप ने मेंढक को खाया, मेंढक ने कीड़ा खाया, कीड़ा घास को खाता है, यह क्या हो गई? खाद्य श्रृंखला। तो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, दुनिया के कितने भाग में जंगल होने चाहिए व आज कितने भाग में जंगल रह गए? दुनिया के कितने भाग में जंगल होना चाहिए और कितने भाग में आज जंगल रह गए? तो इसका उत्तर है, एक तिहाई भाग में जंगल होने चाहिए पर आज सिर्फ 1/5 भाग में जंगल रह गए हैं। आज पांचवे भाग में जंगल रह गए जबकि 1/3 भाग में जंगल होने चाहिए थे, लेकिन आज बहुत कम जंगल रह गए हैं। पहले 1/3 भाग में जंगल होने चाहिए, कितना? 1/3 भाग में जंगल होना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 1/5 भाग में जंगल रह गए। तो आज जंगल कम हो गए,
क्योंकि लोग पेड़ों को काटते ज्यादा हैं और लगाते कम हैं। इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। वृक्ष काट रहे हैं, लगाने की संख्या कम है। देखो, वृक्ष काटना बहुत आसान होता है, फटाफट पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ काटने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन जब पेड़ों को वापस उगाया जाता है, वृक्ष लगाया जाता है, तो उसको बड़े होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो पेड़ों को बढ़ने की दर होती है धीमी और पेड़ों की कटने की दर होती है ज्यादा। तो हमें क्या करना है, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? पेड़ों की देखभाल कैसे करते हैं आप और आपके साथी? इसका उत्तर है, हम पेड़ों को समय समय पर पानी देते हैं, उनकी काट छांट करते हैं तथा समय समय पर दवाई का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेड़ों को समय समय पर हम पानी देते हैं, पेड़ों की काट छाट करते हैं और समय समय पर उस पर क्या छिड़कते हैं, दवाई का छिड़काव कर देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस तरह हम पेड़ों की देखभाल करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है उसकी सूची बनाइए, उसके लाभ बताइए। इसका उत्तर है, पहला, पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ियां, औषधियां और ऑक्सीजन मिलती है। तो पेड़ों से हमें क्या मिला, फल मिला, फूल, लकड़ी भी मिलती है, लकड़ी से हम अपने घर के फर्नीचर बनाते हैं, औषधियां मतलब हमको दवाइयां मिलती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा है, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ वर्षा कराने में यानी बारिश, बारिश कराने में पेड़ सहायक होते हैं। तीसरा, इनसे जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। पेड़ों से जानवरों के लिए हमको क्या मिलता है, चारा मिलता है, जानवर चारा खाते हैं। और चौथा है, पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। पेड़ पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या गलत तरह की जो गैसें होती है, जो हमारी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है, उनको पेड़ अपने में ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं।